प्यारे बच्चों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, जो कि बेस्ड था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स प्रतिलोम कैसे निकालते हैं उसको देखते थे। उस पर कुछ एग्जांपल हुआ था जो कि 2x2 मैट्रिक्स पे बेस्ड था। आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि 3x3 मैट्रिक्स पर है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ ए इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 2 कहा है, देन सो डेट, तो सिद्ध कीजिए। तब आपको सिद्ध क्या करना है या दिखाना क्या है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं है। अस्तित्व तो नहीं होने का मतलब ये है कि ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अस्तित्व कब नहीं होगा, कल हम आपको इसको एक नोट में लिखवा चुके थे, पिछले वीडियो में आप इसको देख लेना। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं और इसको लगाएंगे किससे, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा इसको लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले स्टेप में आपको बताया गया था कि हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए लेते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स लेंगे ए इक्वल टू आई ए, तो ये हो गया ए इक्वल टू आई ए। यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है 1 -1 1 2 1 -1 -1 -2 2 इक्वल टू 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, बगल में ए। इसके बाद हम आपको रूल लिखवाए थे, उसका वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड ये था कि इस ए पर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा, इस पूरे मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स आई में। आई मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाएंगे, इस मैट्रिक्स को, और इधर जो ऑर्डर इधर लगाएंगे जो ऑपरेशन, वही ऑपरेशन इधर यूज करते जाएंगे और एक ये नई मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, वही यहाँ जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वही उसका इनवर्स हो जाता है। ठीक, और अगर ये ऑपरेशन लगाते समय इसमें किसी भी रो में के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं तो वहाँ पे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, मीन्स यहाँ पे इनवर्स फाइंड नहीं किया जाएगा। उसी चीज को हमको दिखाना है, तो स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि एंट्री एलिमेंट 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 1 पहले से दिया गया है, इसको बनाना नहीं है। जब हम लोग ऑपरेशन का यूज कर देते हैं, संख्याओं का प्रयोग कर देते हैं, एक चीज का और ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन में एक बार में कितना ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं ये डिपेंड करता है इसके ऑर्डर पे। जैसे ये आर्डर 3x3 का है तो इसमें एक बार में आप 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि किसी 2 पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है इसमें कॉलम ऑपरेशन का यूज नहीं करेंगे, ये केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार में हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, जितना आर्डर रहेगा उससे एक कम ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्डर 3 है तो हम लोग 2 ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं एक साथ में। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि अगर ये आपका एंट्री एलिमेंट 1 है तो उसके नीचे के एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, तो ये R3 है। अगर आप R3 को रिप्लेस करोगे तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ इसको 0 लाने के लिए R2 को इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 से घटा देंगे तो ये 0 है। तो सबसे पहले R2 को एक बार रिप्लेस करते हैं और एक बार R3 को, तो 2 काम एक साथ करेंगे। यहाँ लिखेंगे
R2 is replaced by R2 minus 2R1. R1 में कोई चेंजिंग नहीं करना है, R1 को वैसे लिखना है, R2 को बदल रहे हैं, R2 is replaced by minus 2R1 and एक R3 को रिप्लेस करेंगे, R3 is replaced by R3 plus R1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आपको माइंड अपनी तरफ से लगाना होगा, लेकिन बातों को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले R2 को चेंज करिए, यहाँ पे हम नई मैट्रिक्स लिखेंगे, ये हमारी R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो R1 को ऐसे लिख देंगे 1 माइनस 1 1, ठीक है। R2 को चेंज करना है, हम आपको बताए थे कि थोड़ा सा प्रोसेस आप अच्छे तरीके से करके फिर इसको लिखिएगा। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को आप लिख लीजिए जो ये है R1, R1 में कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो ये R1 के एलिमेंट है, R1 के एलिमेंट को आप लिख लीजिए। तो R1 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 2 2, ये हुआ। इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, किससे घटाना है, R2 में से R1 को घटाना है, तो R1 में 2 से हो गया, तो ये R2 है, तो R2 के एलिमेंट को आप ऊपर रखो, तो 2 1 माइनस 1, और ये 2R1 हो ही गया है, यहाँ घटा देंगे आप, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस किया, यहाँ 3 हो गया, अब ये माइनस 3 हो गया, यहाँ पे 0। कहने का मतलब जो R2 केस हुआ, ये आया आपके पास 0, 3 और माइनस 3। अलग से आप ऐसे कर लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। यहाँ देखिए R3 प्लस R1, इसको R3 प्लस R1 को जोड़ना है, R3 ये है, R1 ये है, चल इसको जोड़ो, 1 में माइनस 1 को जोड़ोगे तो 0, इसको इसको ऐड करोगे तो माइनस 3, यहाँ पे इसको इसको ऐड करेंगे तो 3, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू। जो प्रोसेस इसमें यूज किया गया वही सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे, R1 में कोई रिप्लेस नहीं करना है, तो R1 के एलिमेंट को ऐसे लिखना है 1 0 0, R2 को रिप्लेस करना है, रिप्लेस कैसे करना है, R2 माइनस 2R1, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और R2 में से R1 को घटाना है तो 0 माइनस 2, तो ये कितना हो गया माइनस 2, ये कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, यहाँ भी इसको इसको ऐड कर देना है, ये कितना हो गया 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, और 0 प्लस 1 1, सेम वही उसी आर्डर में चलना है, जो आर्डर आप लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे वही सेम आर्डर आपका आई वाले में भी लगाएंगे, ठीक है, ये रिप्लेस होकर आ गया। बगल में ए है तो ए लगा दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए इसको फिर रिप्लेस करते हैं, R3 को अगर हम लोग यहाँ देखिए इसको इसमें ऐड करते हैं, R2 और R3 को आपस में ऐड कर दिया जाए, ठीक, तो क्या मिलता है, इसके डायगोनल के नीचे आपको जीरो लाना है, इसलिए हमको ऐड करना पड़ रहा है, चूंकि यहाँ 3 है तो यहाँ पे एक जीरो आया है, 3 जीरो और लाना है, तो यहाँ पे इसको ऐड करती है, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में इसको रिप्लेस करते हैं, R2, R3 को रिप्लेस करना है तो R3 पहले लिखिए, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस R2, ठीक, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, केवल रिप्लेस R3 कर रहे हैं, तो R1 R2 ऐसे रखिए 1 माइनस 1 1, ये 0 3 माइनस 3, यहाँ देखिए 0 0 0 प्लस 3 माइनस 3 0 हो गए, प्लस 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएंगे, 0 इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 माइनस 2 1 0, यहाँ पे इसको इसको ऐड करेंगे, R3 और R2 को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ इसको ऐड करोगे तो 1 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 होगा, बगल में A। देखिए यहाँ पे जो इस साइड आया A में, रो ऑपरेशन लगाते समय R3 के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, सभी एलिमेंट्स 0 हो गए, इसके सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो गए, सभी एलिमेंट्स 0 हो गए, इसका मतलब A इनवर्स का अस्तित्व तो नहीं है, मीन्स ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ इस चीज को हम लोग नीचे लिख देंगे, इसे बगल से दिखाते हैं आपको, सिंस
आर थ्री इज जीरो, आर थ्री क्या हो गया जीरो हो गया, देयरफोर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यही हमको दिखाना था कि कोई भी अगर रो के सभी एलिमेंट शून्य हो जाते हैं तो इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और क्वेश्चन को इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप उसको लगाइएगा। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन। तो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पर पेज है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा ही यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है इफ ए इक्वल टू इतना, फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए इनवर्स को निकालना है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन इसका बहुत केयरफुली देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, वर्किंग रूम में लिखाया गया था कि ए इक्वल टू आई ए लेते हैं, ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, ए की वैल्यू रखिए, ए कितना है थ्री माइनस थ्री फोर, टू माइनस थ्री फोर जीरो, माइनस वन वन इक्वल टू, यहां पर जो वैल्यू लेना है आइडेंटिटी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है, और यहां पे बगल में ए, ठीक साइड में इसके ए लगा देते हैं। चलिए अब ऑपरेशन यूज करते हैं, अपने रूल पे आते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया था कि एंट्री एलिमेंट को वन बनाना है, अगर वन रहता है तो कुछ नहीं करना होता, सेकंड प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ वन नहीं है, वन नहीं है तो ये वन आएगा कैसे, इसको वन हम लोगों को लाना है। तो ये वन तभी आ सकता है अगर हम लोग इस आर वन को रिप्लेस करें और आर टू को इसमें से घटा दें, मीन्स आर वन इज रिप्लेस्ड बाई आर वन माइनस आर टू, तो तीन में से दो निकल जाएगा तो यहाँ वन आ जाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या होगा, आर वन इज रिप्लेस्ड बाई आर वन माइनस आर टू, आर वन को रिप्लेस करना है तो यहां देखिए हम लोग आर वन माइनस आर टू मीन्स थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू का मतलब वन, यहां पे ये माइनस थ्री है, इसको जब माइनस करोगे कि माइनस माइनस प्लस, माइनस थ्री प्लस थ्री ये क्या हो जाएंगे जीरो, फोर माइनस फोर जीरो। ठीक है, यहां कितना हुआ टू, यहां माइनस थ्री फोर, शेष एलिमेंट को ऐसे लिख लेंगे जीरो माइनस वन वन। ठीक है, आर वन माइनस आर टू ये हुआ इक्वल टू, सेम वही प्रोसेस यहां लगाएंगे वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस वन माइनस वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, सेकेंड रो को ऐसे लिखेंगे जीरो वन जीरो 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 वन। हम लोगों का टारगेट क्या है, टारगेट ये है इनवर्स निकालने का कि इस साइड आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, मींस ऐसी मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाए, और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक मैट्रिक्स बदल गई, तो जो यहाँ मैट्रिक्स आएगी वही इनवर्स हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद हम बताए थे कि डायगोनल, यहाँ एंट्री एलिमेंट जब वन हो जाए तो उसके बाद डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाना है, नीचे का एलिमेंट जीरो तभी होगा अगर हम लोग इस आर टू को रिप्लेस करें, और रिप्लेस कैसे करेंगे, इसमें अगर हम लोग दो से मल्टीप्लाई करके, सॉरी आर वन में दो से मल्टीप्लाई करके आर टू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आर टू को घटा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा जीरो आ जाएगा। ठीक, तो यहां पे देखते हैं अगले स्टेप में, देखिए आर टू इज रिप्लेस्ड बाई
आर टू को रिप्लेस करना है तो आर टू माइनस टू आर वन, ठीक है। आर टू को रिप्लेस करोगे तो आर टू को रिप्लेस करना है, यहाँ दो है तो आर वन में दो से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देगी, ठीक। अब देखिए क्या मिलता है, यहाँ आर वन और आर थ्री रिप्लेस नहीं है, उसके एलिमेंट को ऐसे रख दो वन जीरो जीरो। यहाँ पे देखिए आर टू टू है, इसमें टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू माइनस टू तो ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो है ही तो आर टू माइनस थ्री माइनस जीरो माइनस थ्री ही बचा है। यहाँ पे फोर माइनस जीरो फोर ही आया, यहाँ शेष एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे जीरो माइनस वन वन, ठीक है, इक्वल टू सेम वही प्रोसेस यहाँ लगाएंगे। आर वन को वैसे रखेंगे वन माइनस वन जीरो, यहाँ पे देखिए जीरो वन जीरो है तो आर टू माइनस टू आर वन तो जीरो यहाँ पे है, इसमें दो से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन गया टू बन गया। आर वन आर वन में कितने से मल्टीप्लाई है टू से, ये टू तो जीरो माइनस टू माइनस टू यहाँ पर करेंगे तो ये वन है ये टू है तो ये माइनस टू, लेकिन घटाना है घटाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो वन और टू ये कितना हो गया थ्री। अगर यहाँ पे कितना हो गया जीरो माइनस जीरो, ये स्टेप ना समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, इसमें आर वन में कितने से मल्टीप्लाई करना है, पहले आप किसके एलिमेंट को आर टू में से आर वन को घटाना है तो आर टू ये है, इसको आप अलग से देख लो जीरो वन जीरो, इसमें आर वन में दो से आप मल्टीप्लाई कर दो ये टू माइनस टू जीरो। अब सब्सट्रैक्ट करना है घटा देना है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये जीरो माइनस टू बचा, ये प्लस हो गया ये थ्री हो गया ये जीरो, तो ये लिखा गया माइनस टू थ्री जीरो, ठीक है समझ गए। आगे देखिए शेष अगले एलिमेंट को कुछ नहीं करना है, जो तीसरा रो है उसके एलिमेंट को ऐसे एजिटिव लिख देना है जीरो जीरो वन, ठीक है, बगल में ए। कितनी बात आप समझ गए, ठीक है, तो इसको नोट करिए, बगल में फिर बताते हैं। इतना नोट कर लिए, ठीक है। आगे देखिए अब हमको इस डायगोनल के नीचे जीरो लाना है, ठीक है। इस डायगोनल के नीचे जीरो तभी आ सकता है जब यहाँ पर आपके पास वन हो जाए, तो ये वन हो जाएगा और ये माइनस वन जोड़ देंगे तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा। केवल अभी डायगोनल के नीचे आपको जीरो बनाना है, ये डायगोनल है वन माइनस थ्री वन। अब ये वन कब होगा, वन तभी होगा जब हम इस पूरे आर टू में माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस थ्री से डिवाइड कर दें, कुछ भी करिए दोनों सही है। आप माइनस वन बाई थ्री से इसमें क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसके साथ आर थ्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आर थ्री को रिप्लेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा आर थ्री रिप्लेस बाई क्या लिखेंगे आर थ्री प्लस, ठीक है, आर थ्री प्लस माइनस वन बाई थ्री आर टू, ठीक है। इसमें कितने से किया गया है माइनस वन बाई थ्री से, माइनस वन बाई थ्री से इसलिए किया गया ताकि ये क्या हो जाए वन हो जाए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहां पे प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं क्या आएगा ये, तो रिप्लेस केवल आर थ्री को करना है तो आर वन आर टू के एलिमेंट को हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, ठीक, आर वन आर टू के एलिमेंट को वैसे ही लिख लिया जाएगा। तो आर थ्री को हम लोगों को रिप्लेस करना है तो यहां पे हम लोग इसके एलिमेंट को वैसे ही लिख रहे हैं। यहां देखिए ये पहला रो हम लोग ऐसे लिख लिए, दूसरे रो को एजिटिव वैसे ही लिख लिया जाएगा जीरो माइनस थ्री फोर, ठीक है। यहाँ भी ये है, रिप्लेस किसको करना है आर थ्री को, तो ध्यान पूर्वक आप सबसे पहले क्या करिए इस पूरे एलिमेंट को यहाँ लिख लीजिए जीरो वन जीरो माइनस वन वन, ये आर थ्री का एलिमेंट है, इसको अलग से लिख लीजिए। आर टू में क्या करना है, जो ये आर टू है आर टू में आपको माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जीरो है ये जीरो मिलेगा, यहाँ भी कितना है देख रहे हैं माइनस थ्री है, माइनस थ्री में माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन हो गया, यहाँ करेंगे तो ये माइनस फोर बाई थ्री हो गया, ठीक है। इसको ऐड करना है, यहाँ देखिए क्या है प्लस जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए जीरो ये जीरो,
यहां जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 बाई 3, तो 3 माइनस 1 बाई 3, ठीक है, ये जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस 1 बाई 3। तो ये स्टेप जो तीसरा आर3 के स्थान पे लिख देते हैं, कितना आया 0 0 माइनस 1 बाई 3, ठीक है, 0 0 माइनस 1 बाई 3 ये हो गया। सेम वही प्रोसेस यहां लगाते हैं, ठीक, उसको एडजस्ट कर देते हैं। यहां देखिए ये जो हुआ, यहां पर भी आपको R1 R2 को ऐसे लिखना है, R1 कितना है 1 माइनस 1 0 माइनस 2 3 0। इसके बाद अब देखिए, अब फिर आपको इस R3 को रिप्लेस करना है, ठीक, R3 को रिप्लेस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग R3 वाले एलिमेंट को लिख लीजिए, यहां आपको नीचे हम समझा देते हैं, 0 0 1 लिख लीजिए, यही R3 है। R2 में क्या करना है, माइनस 1 बाई 3 से गुणा करना है, इसमें माइनस 1 बाई 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2 बाई 3, इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है, ये कितना आया ऐड कर दो 2 बाई 3 माइनस 1 1, यही एलिमेंट्स मिला, इसी एलिमेंट्स को यहाँ लिख दो 2 बाई 3 माइनस 1 1, ठीक है, ये हमारा एक नई मैट्रिक्स मिल रही है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं, यहां पे माइनस 1 बाई 3, अगले स्टेप में हम लोग करते क्या है कि इसको अगर हम लोग 1 बना दे, 1 कैसे बनेगा, इसको और इसको 1 बनाना है, ठीक है, तो इसको इसको 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हम लोग दो ऑपरेशन को एक साथ यूज करते हैं, यहां पे करेंगे क्या, R2 इज रिप्लेस्ड बाय क्या लिखेंगे, R2 is replaced by minus 1 by 3 R2, ठीक, and R3 is replaced by, R3 is replaced by कितना, R3 को रिप्लेस करेंगे तो यहां पे minus 1 by 3 R3, क्योंकि यहां भी by 3 है, ठीक है, तो by 3 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, minus 3 R3 करते हैं, ठीक है, तो R3 प्लस बाय माइनस 3R3, तो प्रोसेस को लगाते हैं, R1 को ऐसे लिखना, R2 और R3 को चेंज करना है, R1 में ऐसे लिखिए 1 0 0, यहां देखिए क्या करना है, R2 में माइनस 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 0, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया माइनस 4 बाय 3, ये कितना हुआ 0 0, यहां माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा दिए तो ये 1, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, यहां पे देखिए पहला रो ऐसे लिखना है 1 माइनस 1 0, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 बाई 3 से, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 बाई 3, यहां करेंगे ये माइनस 1 बचा, यहां पे करेंगे तो ये 0 हो गया, यहां माइनस 3 से करना है, माइनस 3 से करना है तो 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस 2 बचा, ये कितना हो गया प्लस 3 हो गया, यहां भी कितना हो गया माइनस 3 हो गया, ठीक है, इनटू ए। अब डायगोनल पे 1 1 1 हो चुके हैं, केवल माइनस 1 बाई 3 को अगर हम लोग 0 कर दें तो हम लोगों का काम हो जाएगा, ये 0 कब होगा, आर2 को रिप्लेस करते हैं, बट इसमें अगर हम 4 बाई 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, R2 is replaced by R2 plus 4 by 3 R3, ठीक है, इस R3 में 4 by 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, ये देखिए आपका पूरी तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ट्रांसफॉर्म हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इक्वल टू ये कितना हो गया R2 को रिप्लेस करना हो, R1 को ऐसे रखिए 1 माइनस 1 0, ठीक है, यहां आप करना क्या है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, R2 में क्या करना है 4 by 3 से R3 में मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है, तो इस स्टेप को हम लोग थोड़ा सा बगल में देख लेते हैं, पहले हम लोग किसको लिखेंगे R2 के एलिमेंट को, R2 कितना है 2 by 3 माइनस 1 0, ठीक,
इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 4 बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया माइनस 8 बाई 3, यहां करेंगे 4 बाई 3 से तो 3 3 कैंसिल, केवल कितना बचा सॉरी माइनस 8 बाई 3 यहां लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। इसके बाद यहां भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई 3 से, 3 3 कैंसिल, यहां कितना हो गया 4 हो गया, यहां पे करेंगे कितना हो जाएगा इसमें माइनस 3 है, माइनस 3 से करेंगे ये 3 3 कैंसिल, यहां कितना बचेगा माइनस 4 बचेगा, ठीक है। करना क्या है ऐड कर देना, ऐड करेंगे तो देखो ये 2 बाई 3 है माइनस 8 बाई 3, तो 2 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया माइनस 6 बाई 3, माइनस 6 बाई 3 मीन्स कितना माइनस 2 यहां बचा, ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक, ये कितना हो गया माइनस 2, तो कितना है माइनस 2 3 माइनस 4, यहां पे लिखेंगे r2 के स्थान पे r2 रिप्लेस किए हैं तो माइनस 2 3 माइनस 4, और इस एलिमेंट को आप वैसे ही रहने देंगे माइनस 2 3 माइनस 3, ठीक है, इनटू a। अब जो ये आई था आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, ये पूरा पूरा आपका कन्वर्ट होकर एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, बट जो ए था वह पूरा पूरा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो रूल आपको बताया गया था। अब ये आई हो गया, ये ए हो गया, तो यहाँ आई कब आएगा जब यहाँ पे ए इनवर्स होगा, ठीक, तो देयरफॉर यहाँ बगल में देख लीजिए, ठीक, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, जो ए इनवर्स है वह ए इनवर्स ए के बगल वाली जो मैट्रिक्स होगी कितना हो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 3, ठीक है, यही ए इनवर्स हुआ, ठीक, यही फाइंड करना था हम लोगों को ए इनवर्स। तो आज के इस पूरी टॉपिक में, ठीक है, हम लोग ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है बाय एलिमेंट्री रूल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा उसको देखें, ठीक है। तो इस पर बेस्ट जितने क्वेश्चन हैं आप उसको लगाइएगा, जो क्वेश्चन नया आए उसको फीडबैक में बता दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।